धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद है यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु जी, तू ही महिमा आदर के योग्य है खुदा बाप। दुआ मांगे ऊंची आवाज में, प्रार्थना के बगैर विश्वासी कुछ नहीं कर सकता, प्रार्थना, प्रेयर लाइव, प्रेयर लाइव, प्रार्थना ही आपके वो जो ताले लगे हुए खोल सकती है, वो ताले जो शैतान ने लगवाए हुए हैं, जो ताले लगे हुए हैं वो प्रार्थना के द्वारा खुलते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना ही एक ऐसी चाबी है जो दुनिया का हर एक ताला खुल जाए यीशु के स्मरती नाम में। ऊंची आवाज में दुआ करें, जिस तरह हन्ना ने अपने गर्भ के अंदर लगे हुए ताले को खोल लिया प्रार्थना के द्वारा, हिजकिय्याह ने अपने मौत के दरवाजे को खोल दिया, उस अंधे ने अपनी आंखों के ताले को खोला। आज आप भी दुआ मांगे, जो भी परेशानी है, परेशानियां, कर्जा है, गरीबी है, लानत है, सराप है, उन सरापों का चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो प्रार्थना चाबी है। दुआ करें ऊंची आवाज में, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्हों प्रभु यीशु मसीह खोल दा उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, जिन्हों वो बंद कर दे उन्हें कोई खोल नहीं सकता। उची आवाज दे नाल, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। उच्ची आवाज़ में दुआ मांगो, पवित्र आत्मा की मैं हजूरी इस जगह महसूस कर रहा, पवित्र आत्मा की समर्थ न मैं महसूस कर रहा इस जगह से। चौंकड़ी मार के दुआ करो, गोडे नहीं खड़े करने मेरे प्रभु, दुआ करो, दुआ करो। अज दुआ की कमजोरी आ, विश्वासी किसी चीज की कमी नहीं, अज दुआ की कमी आ, अज प्रार्थना की कमी आ। जे विश्वासी सफल होना चाहता अपनी जिंदगी दे विच, ते प्रार्थना लाइफ अपनी बधावे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नू बधावे, अज आत्मिक होने की जरूरत आ, अज प्रार्थना च वधण की जरूरत आ। अज प्रभु यीशु जी ने अपने चेलियां नू कहा, जागो ते प्रार्थना करो, आने वालियां मुसीबतां तों बचो, आत्मा ते तैयार आ पर शरीर कमजोर आ, अज अपने शरीर नू पावरफुल बनाओ, दुआ करो, आत्मा रेडी आ, आत्मा नू रिसीव करो, आत्मा नू रिसीव करो, यीशु के मसीह नाम में, होली गोस्ट, तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे, तेरा मसा इनकी जिंदगियों में कार्य करे खुदा बाप। आज मैं मानता हूं जो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की मांग कर रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाए। आज अपने शरीर को तैयार करें, शरीर को तैयार करें, आत्मा को पाए, आत्मा को मांगे, आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, उसकी हजूरी जहां पर मौजूद है, उसकी ममूरी जहां पर मौजूद है, जागें और प्रार्थना करें। आज आत्मा के जागरण की जरूरत,
पवित्र आत्मा तेरी हजूरी जाम पे मौजूद है, तेरी ममूरी जाम पे मौजूद है। ये मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह तेरी है, ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा तेरी है, किसी इंसान की नहीं। पवित्र आत्मा अपने द्वारा चला तो, प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा चला। ओ ग्लोरी जीसस, होली 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 होली। बहुत से लोग नरक के रास्ते पर जा रहे हैं, नरक के रास्ते के पर जा रहे हैं, क्योंकि शैतान उन लोगों को अपनी ओर खींच के लेके जा रहा है। आज मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। जितने मेरे भाई इस तरह उस अंधे ने प्रार्थना की, अन्ने ने दुआ मांगी, है दाऊद के बेटे मेरे ते दया कर। ओ अन्ना पाप दे वेचया, ओ अन्ना पाप नु दर्शा रिया भी जदों परमेश्वर दे लोग पाप दे विचों दुहाई दिंदे आ भी पिता परमेश्वर मेरे ते दया कर, पिता परमेश्वर मेरे ते दया कर। इजरायली मिस्र दे वेच सी, गुलामी दे वेच सी, ओना ने दुहाई दित्ती ता परमेश्वर ने उनदी आवाज नु सुनया। अज मेरे भैणो ते प्रभु, जे तुसी पाप दे वेचया दुहाई दो परमेश्वर देके, दुहाई दो परमेश्वर देके, परमेश्वर तेरी आवाज नु सुन के धरती उत्ते आ जावेगा, तनु पाप जो पार कटे दे नहीं। ए प्रभु यीशु दी हजूरी आ, जिस हजूरी दे विच पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर और पुत्र होवे, उस हजूरी दे विच बंधन टुटने शुरू हो जांदे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी ने पत्रस यकूब जी होना नु क्या, जदों गढ़ सामने बाग दे विच प्रार्थना कर रहे, जदों मत्ती दी इंजील 26 भाग पढ़दे आ, प्रभु यीशु जी ने उन्हें एक गल कही, जागो ते प्रार्थना करो, आने वाली मुसीबतों तो बचो। तो नाल परमेश्वर ने कहा, आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है। ये कमजोर किने कीता? शैतान ने। शैतान टाडी वीकनेस है,
शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ ਕੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਭਚਾਰ ਔਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨੋਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਪ ਆ ਚਾਹੇ ਡਾਊਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡਤੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲੂਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਗਮੀ ਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੂਗੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਵਾਂ 180 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੁੱਗਾ ਦੀ ਅੰਤਿਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੱਤੀ 28 ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ 5 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੇ ਜਿੱਤੂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਤੀ ਨਾਮ ਮੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆਤਮਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ जो मैं प्रार्थना कर रहा इस भैन के बारे में परमेश्वर ने दिखाया इस भैन दे रसौली आ बच्चेदानी दे विच बच्चेदानी दे विच रसौली जो मैं प्रार्थना कर रहा जो बिशप साहब जी प्रचार कर रहे सी मंगो जिस मुझे ढाडे विच दी तुरिया फिर रहा आने नु पता लग गया भी ये तुम इतों की आ नंग रहा तो उन्हें की करता उस टाइम दुआ करना शुरू अज विश्वासियों यही नहीं पता भी ये सुमसी ने वायदा किया जिथे एक या दो जिस जगह से मौजूद है मैं वायदे के अनुसार उन्होंने हाजिर हाँ हूँ जिदा शमा पट्टी बैठे इन्होंने कोल ये सुमसी खड़ा आ मुंडा बैठे इन्होंने कोल ये सुमसी आ तुम ढे कोल ये सुमसी आ पर सानू पता ही नहीं वो समझते खरे पास्टर ही बोल रहा ये पास्टर ही जोर लाई जाता ये सुमसी है इस जगह से ये सुमसी है इस जगह से मैं पहला क्या सी मेरी मिनिस्ट्री या बिशप साहब की नहीं ये पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री आ मैं लोगों को मुक्ति दवानी आ गड्डियां मोटरसाइकिल बंगले नहीं दवाने ये गड्डियां मोटरसाइकिल बंगले नहीं दिंदा यसुम सी मुक्ति दिंदा नजात दिंदा शिफा दिंदा चंगियाई देनी उहदी है बटिया चंगा तो उन्हें करना क्योंकि उहदे कोड़े खाण नाल तुसीं चंगे हो चुके हैं तो यसुम सी चंगियाई दे नाल मुक्ति दिंदा ये मुक्ति दुनिया से कोई नहीं दे सकता केवल इको ही आ कौन है वह प्रभु यसुम सी जिहड़ा मुक्ति दिंदा ते मुक्ति ली चर्च में आओ गड्डी मोटरसाइकिल बंगला वीजा लड़की लड़के लिए ना आओ वो तो यीशु जी ने देने पहला बाइबल लिखा मत्ती दी छे पाग उस तेती है पहला उहदे स्वर्ग राज दी भाल करो ते धरती दीआं बरकतां सारियां तुहानूं पिछे पै के मिलणगीआं हालेलुया हालेलुया तो अज मेरे भैणों ते प्रभु ये चीज़ नूं अपने पल्ले बन्नो मुक्ति शिफा नजात लई परमेश्वर दे कोल आओ ये भैण लई जदों प्रार्थना होई जदों यीशु जी तुहाडे कोल आ तो जो तुम पुकारोंगे उदो ही सुनूंगा हूँ मैं इतने खड़ा वा फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा सारे मेरा नाम पता ज नहीं पता जिन्होंने नहीं मेरा नाम पता मैं दस सकता मेरा नाम है शिमोन की है मेरा नाम शिमोन जिहड़ा यीशु मसीह का चेला से हूँ भैन जी तुम किरण भैन जी मैं इतने खड़ा हूँ तुम मैनू पुकार ही नहीं रहे तो मैं तुहाडी आवाज़ सुनूंगा बोलू ची भाई ना हूँ तुम मैनू आवाज़ दोगे पुकारो बोलो 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 तुसी मैनू पुकारिया तो मैं तुहाडी आवाज सुनूंगा भी ये भैन ने मैनू पुकारिया ऐदा ही यीशु मसीह आ यीशु मसीह चर्च च तो खड़े आ चर्च च तो है पर तुसी यीशु मसीह नू पुकारते नहीं आ तुहाडी अपनी सोच तुहाडा शरीर चर्च दे विच आ ये भैन चर्च च बैठी आ पर इहदे ख्याल बाहर आ ख्याल किते घूम रहा सोच किते आ काम दे विच आ जां अपनी विआह दी टेंशन आ जां इहनू कोई कारोबार दी टेंशन आ जां सोच किते आ बैठे चर्च के अंदर आ पर तुहाडियां सोचां बाहर घूम रही अपनी सोच नूं टिकाओ अपने मन नूं टिकाओ फिर यीशु मसीह नूं पुकारो है दाऊद दे बेटे मेरे ते दया कर फिर यीशु मसीह तुहाडी आवाज सुन के जिदा मैनू ये भैन ने आवाज दी यीशु मसीह नूं मैनू परमेश्वर ने कहा भैन नूं मूहरे बुला क्योंकि अज इहदी रसौली बाहर आऊगी यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया ये आ परमेश्वर टाडे कोल यीशु मसीह आ पर तुसी बोलना नहीं चाहते वो अन्ना उन्हें देखा कुछ नहीं सिर्फ सुनिया भी यीशु मसीह जा रहे इस रास्ते थानी कौन जा रहा जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जा रहा तो अन्ने ने पुकारना शुरू किया अज विश्वास वचन पता भी युगों के अंत हर वेले यीशु मसीह साढ़े जिते एक या दो यीशु मसीह साढ़े विचकार आ पर उन्होंने ये नहीं पता यीशु मसीह जे विचकार आ तो उन्हें पुकारना किदा उन्हें बुलाना किदा अज पुकारते नहीं तदे तो प्रार्थना नहीं सुनती प्रार्थना करते नहीं तदे तो यीशु मसीह सुनता नहीं यीशु मसीह कोल खड़ा इस भैन दे पुकारती नहीं बोल ही नहीं रही जदे बोलूगी प्रभु यीशु मसीह मेरे ते दया कर प्रभु यीशु मसीह मेरे ते दया कर तो यीशु मसीह इस भैन नू बोलेगा डोंट वरी मैं तेरे नाल आ ना घबरा मैं तेरे नाल आ उस टाइम परमेश्वर इहदी जिंदगी दे विच इहदी जिंदगी विच सुपर नैचुरल वर्क करना शुरू करूगा आमेन जो पुकारोंगे यीशु मसीह चर्च च नहीं आ यीशु मसीह 24 घंटे तुहाडे नाल आ
चाहे घर दे विच हो, चाहे काम ते हो, चाहे जा रहे हो, चाहे आ रहे हो, चाहे स्लीपिंग कर रहे हो, परमेश्वर वायदे दे अनुसार तुहाडे नाल आ। पर उन्हें पुकारना सीखो। पुकारना किस तरह? यर्मिया 33:3 विच लिखा, मैनू पुकार, कॉल टू मी, आई विल गिव आंसर यू। मैनू पुकार ते मैं तेनू उत्तर देंगा। अज पुकारो, पुकारना नहीं आता विश्वासी। अज पास्टर का फेस देख रहे हो, पास्टर ने कुछ नहीं करना, जो करना प्रभु यीशु मसीह ने करना। हालेलुया। अज इस भैन दे लई हाथ उठाओ, सारे जने हाथ उठाओ, मन ला के भैन लई दुआ करो। मैनू परमेश्वर ने दिखाया जी यूरियन के द्वारा, बाथरूम के द्वारा रसौली बाहर आ रही। ये बाथरूम का कलर नीले नीले रंग का कलर होके आ रहा, रसौली फिस के बाहर आ रही है। ये परमेश्वर के काम आ, क्योंकि इंसान नू परमेश्वर ने बनाया, उन्हें क्रिएट किया। ये बॉडी का असली डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह आ, ते प्रभु यीशु मसीह ओपरेट कर रहा इस पैन। मैं हुक्म देता हूं यीशु के समर्थित नाम में, वो बीमारी छोड़ कर बाहर आए राइट नाउ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, तेरी आत्मा शु तेरा मसा इनके जीवन में काम करे। ओ जीसस, ये चमत्कार तेरे नाम के लिए, ये महिमा के लिए हो तेरी प्रभु। किसी इंसान की नहीं, तेरी महिमा हो कि तू जीवित परमेश्वर। इस बहन को शु के आजाद कर, सॉरी